शराब पी के गाड़ी चलाने की लत। और फिर एक फैसला हमने और किया कि शराब के नशे में वाहन चलाने पर पहली बार मैं 6 महीने तक ड्राइविंग लाइसेंस, दूसरी बार में 2 साल के लिए अगर पकड़े गए तो, लेकिन तीसरी बार में तो फिर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। अब पी शराब और भगाई गाड़ी तो होगा कुछ ऐसा कि भूल नहीं पाओगे। सरकार का नया फरमान, गौर से सुने। शराब पी के गाड़ी चलाने की लत। अगर आपने नशा कर लिया, शराब पी ली, तो खुद पर नियंत्रण नहीं रहता और इसलिए या तो खुद दुर्घटना के शिकार हो जाते। कई बार हम सुनते हैं कि गाड़ी चला रहे थे, नशे में थे, एक्सीडेंट हो गया। और कई बार दूसरों की जिंदगी पर भी खतरा बन जाते हैं, कई बार तो दुर्घटना भी कुचल के निकल गए। और इसलिए एक फैसला हमने और किया कि शराब के नशे में वाहन चलाने पर पहली बार में 6 महीने तक ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा, दूसरी बार में 2 साल के लिए अगर पकड़े गए तो, पकड़ने की हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन तीसरी बार में तो फिर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया जाएगा कि तुम गाड़ी चला ही नहीं सकते। और जो नशे में खतरनाक ढंग से गाड़ी चलाते हुए एक्सीडेंट इत्यादि होते हैं तो उस पे भी हम सजा बढ़ाएंगे। बीच रोड पर लहराती हुई नागिन की तरह बलखाती हुई गाड़ियां हमने अक्सर देखी है भरे ट्रैफिक में हाईवेज पर, लेकिन अक्सर इसका कारण नींद होता है और सबसे ज्यादा नशे की हालत में होना। लेकिन अब अगर आपने शराब पीकर गाड़ी चलाई तो शामत आई, क्योंकि मध्य प्रदेश में ऐसा कानून आ गया है कि दारू पीकर गाड़ी चलाने वालों की हवा टाइट हो जाएगी। आइए जानते हैं कि क्या है वो कानून। दरअसल मध्य प्रदेश के सीएम ने ये जानकारी दी है कि अगर कोई भी रोड पर शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया तो सबसे पहले उसका लाइसेंस 6 महीने के लिए निलंबित किया जाएगा और दूसरी बार पकड़े जाने पर 2 साल के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जाएगा। और अगर तीसरी बार पकड़ा गया तो आपको ड्राइवरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है, यानी कि आपसे हमेशा के लिए गाड़ी चलाने का अधिकार छीन लिया जाएगा। तो अब रोड पर नागिन बनकर लहराने की कोशिश नशे में तो ना ही करें। इसी तरह की एक और खबर देहरादून से भी सामने आई है, जहां इधर उधर गाड़ी खड़ी करना आपको भारी पड़ सकता है। अब चाहे आपके सामने या आसपास कोई ट्रैफिक कर्मी ना हो तो ये मत सोचिएगा कि कोई नहीं देख रहा, ऊपर वाला सब देख रहा है। जी हां, देहरादून में नो पार्किंग जोन में खड़ी गाड़ियों पर ड्रोन से नजर रखी जाएगी। अब इन लोगों पर कड़ी नजर रखने का आदेश जारी किया गया है। जो भी इसका पालन करता नहीं दिखाई देगा उस पर कड़ा कदम उठाया जाएगा। तो अब थोड़े सतर्क हो जाएं, नियमों का पालन करें ताकि आपको किसी तरह की दिक्कत ना आए। तो फिलहाल आज के लिए इस ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, मैं जानता हूं कि ट्रांसपोर्ट के कारोबार में ढेरों चिंताएं हैं, लेकिन अब कम से कम अपनी गाड़ी के बीमे की चिंता छोड़ दें। प्रीमियम आपको सबसे कम मिलेगा, पॉलिसी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी और क्लेम हॉटलाइन की सुविधा 24 घंटे मिलेगी। बस गाड़ी की RC और पुरानी बीमा कॉपी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में डालें या 90831 90831 पर व्हाट्सएप कर दें। तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।